व्यूज, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी व्यूज, आज का व्लॉग जिस जगह के ऊपर है, ये बहुत ही फेमस जगह है और बहुत से लोगों ने जो है इसके बारे में सुन रखा होगा, इवन कि वो पाकिस्तान में हूँ, यूके में हूँ या यूएसए में हूँ। इस टाइम हम मौजूद हैं विंडसर रोड के ऊपर, विंडसर रोड मैनचेस्टर, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश है इस टाइम। और आज ईद का दूसरा दिन है और ये इस टाइम के हालात हैं। और अभी जो है रश स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम जो टाइम हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 9:15 हुआ, और अभी लेटर ऑन जो है रश स्टार्ट होगा 10 बजे 11 बजे, और इस तरह से करते करते ही तकरीबन सुबह 3 बजे तक जो है ये सारी की सारी मार्केट जो है वो खुली रहेगी, और इसी तरह से यहाँ पे गैमा गैमी रहेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप विंडसर रोड। और इसके अलावा पहला स्टार्ट मैं लूँगा कैफे 360 से, जो काफ़ी फेमस है, जहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है शीशा पीते पकड़े गए थे, और यहाँ पे ये चीज़ कहा गई थी कि इन्होंने रात पूरी शीशा पिया है और जिसकी वजह से हम एक मैच हार गए थे। तो यहाँ से स्टार्ट, सबसे पहले विंडसर रोड का फेमस शीशा कैफे 360, ये बहुत ही फेमस शीशा कैफे है। एक ये फेमस है और इसके अलावा जो है पाशा, ये दो शीशा कैफे हैं जो काफ़ी फेमस हैं। और इसके साथ साथ आपको स्टेप बाई स्टेप फेमस चीज़ों के बारे में बताते जाएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल आपको पाकिस्तानी इन्वायरमेंट फील होगी कि सारे कार्टून्स, ये देख लें आप पाकिस्तानी वाले, ये पू जो है एयर वाला, ये भी यहाँ पे मौजूद है। और मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ कि 98% जो लोग हैं वो भी इस टाइम पे यहाँ पे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। बाकी जो रेस्ट हैं 2%, उनके अंदर कुर्दिश और अरेबिक जो है वो लोग भी शामिल हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, उसी तरह से पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पे जो है मौजूद है, क्योंकि हर किस्म की सूरत हाल को जो है उसको कंट्रोल करना होता है उन्हें। तो इस जगह के ऊपर आपको हर तकरीबन 500 ख्याले फीट के बाद सिक्योरिटी ऑफिसर नज़र आएगा, पुलिस का, दो वहाँ पे मूव कर रहे हैं और दो पुलिस ऑफिसर जो है वो इस तरफ है। और बहुत ही फ्रेंडली है ये, बिल्कुल कह लें हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, यानी कि अगर आप जितनी मर्जी वायलेशन कर दें जस्ट आपको जो है वार्निंग ही देंगे आज, क्योंकि इनको पता है कि ये पाकिस्तानी कौम है और ये सेलिब्रेट कर रही है। और ये बाजा जिसने ईजाद किया है उसको भी सलाम, और ये करते करते बाजा जो है पाकिस्तान से यूके भी पहुंचाया है। देख सकते हैं लेवल के बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू है, और इसके अंदर से बाजू की आवाज़ आ रही है, ये स्वैग है। और अभी कुछ शाहकार आपको गाड़ियों के भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेट नाइट को जो है जो लोग अल्टर कार्स होती हैं वो लेके भी आते हैं, और उनका भी शुगर वगैरह जो है वो होता है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं ये भी बाजू की आवाज़ को फॉलो करते 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 करते, अभी आपको लेके चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो इसके अंदर मोर देन, इस रोड के ऊपर जो है 300 कह सकते हैं कि मोर देन 300 जो है वो उसके अराउंड जो है पाकिस्तानी शॉप जो है वो मौजूद हैं। फिर से बाजे की आवाज़ आपको आई होगी, और खिलौने भी पाकिस्तानी। और ये देखें जी आप निराला स्वीट्स, विंडसर रोड के ऊपर निराला स्वीट्स जैसे हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, और इसी तरह से मैक्सिमम ब्रांड्स जो हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिसके अंदर मैं आपको एक निराला स्वीट्स दिखाता हूँ। नेक्स्ट से मैं मूव हो रहा हूँ, निराला स्वीट्स से आगे हमें सनम मिलेगी, सनम स्वीट्स एंड बेकर्स, और इसके अलावा हमें जो मिलेगा नेक्स्ट ये देखें आप चांदनी ज्वेलर्स, इसके भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा सनम फूड मेरे नेक्स्ट पे, और इसके अलावा जो है स्टेप बाय स्टेप जो है पाकिस्तानी जो है स्टोर्स उनकी ब्रांचेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो भाई सर इन मुबारक, इन मुबारक फ्रॉम साइड मेकिंग व्लॉग, या मेकिंग यूट्यूब व्लॉग्स, या रियली अप्रिशिएट योर सर्विस, यू आर प्रोटेक्टिंग अस, थैंक्स लॉट, यस। तो नेक्स्ट अभी हम जा रहे हैं सनम, सनम से नेक्स्ट जो है जिलानीज, और उससे नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि कबाब हाउस, यानी कि डिफरेंट जो है ब्रांड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, और एक से एक बढ़ के जो है वो आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये गढ़ है पूरा एशियन फूड का। इधर अगर आप आ गए हैं तो आपको फील नहीं होगा कि पाकिस्तान से बाहर है। जैसे फिर मैंने आपको बताया सिक्योरिटी फीस आप देख सकते हैं, दो यहाँ पर, दो वहाँ पर, दो फिर वहाँ पर, दो फिर वहाँ पर, क्योंकि इनको पता है कि क्या सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फीसेस। और विंडसर रोड के ऊपर जो है आपको हमेशा जो है चांद रात, बड़ी ईद, छोटी ईद, 14 अगस्त, हर दफ़ा रश नज़र आएगा।
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं, चांद जिसको ढूंढते रहे हैं 3-4 दिनों से। ये जी आप देख सकते हैं यूके में चांद भी नज़र आ गया है। नज़र तो परसों आना चाहिए था लेकिन हमें नज़र जो है वो आ गया है। तो ये लें जी व्यूज, जो चांद के रोले थे वो भी क्लियर हो गए। और ये देख सकते हैं हम, ये कुर्दिश पीपल, ये भी इंजॉय कर रहे हैं। यानी कि ईद तो सबकी है, नंबर वन जो है वो तो पाकिस्तानी है जैसे आप ये नज़र आ रहे होंगे, और सेकेंड नंबर हम कह सकते हैं कि जी कुर्दिश लोग जो हैं उनका नंबर भी जो है वो आता है ईद सेलिब्रेट करने में, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि कुर्दिश लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। रश जो है हर तरफ है, हर रेस्टोरेंट, हर टेकवे, हर जो है क्या लें स्टॉल के बाहर रश है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं एक और चीज़ दिखाने, फेमस चीज़ अंडे वाला बर्गर। अभी हम चलते हैं जी आपको पाकिस्तानी कल्चर अंडे वाला बर्गर दिखाने, देखते हैं जी आज उसने अंडे वाला बर्गर बनाया है या नहीं बनाया। तो ये वो जगह है जी यहाँ से अंडे वाला बर्गर जो है मिलता है। तो अभी हम चलते हैं जी अंडे वाला बर्गर फाइंड कर लें जी। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इतनी बड़ी तादाद में गैदरिंग है, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो है वो अच्छा इमेज छोड़ते ही छोड़ते हैं जी। व्यूज ये आप देख सकते हैं, जंगल ग्रिल अंडे वाला बर्गर भाई का बहुत ही लेवल का। भाई जान आपका ब्लॉग बना सकते हैं, मसला तो नहीं है आपको? बर्गर का बनाए जी, भाई ने कहा जी मेरा ब्लॉग ना बनाए बर्गर का बनाए। तो ये पाकिस्तानी कल्चर अंडे वाला बर्गर आप देख सकते हैं, टिक्की बन रही है, बन भाई जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इसके बाद जो है जी ये अंडे वाला बर्गर जो है वो बनेगा। तो ये देखें जी बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल, हक अल्लाह सच है। और आज भाई ने म्यूज़िक नहीं ऑन किया हुआ, वरना पाकिस्तानी गाने जो हैं इंडियन गाने 90 सीरीज़ के, लेट 90 सीरीज़ के गाने वो भी आपको मिलते हैं। आप पाकिस्तान का झंडा देख सकते हैं, मज़े की चीज़। सुपारियाँ चेक करें जो भाई ने ऊपर सजाई हुई है। स्पेशल अंडा शामी बर्गर, और इसके साथ पहलवान की ओरिजिनल लाहौरी कुल्फी, स्वीट कॉर्न, ट्रेडिशनल लाहौरी स्वीट कॉर्न भी इनके पास मौजूद है, और कश्मीरी जो है वो टी जो है वो मौजूद है। और अभी जो है भाई फनकारी दिखाने लगे हैं अंडे वाले बर्गर, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल। स्पीड चेक करें भाई की, स्पीड बन गई है भाई। भाई कितना टाइम हो गया ये बता दें आप, पूरे पाकिस्तान में देखे जाएंगे, पूरे यूके में देखे जाएंगे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए माशाल्लाह। आइडिया कैसे आया जी अंडे वाले बर्गर का? अंडे वाले बर्गर का आइडिया कैसे आया? यहाँ पर शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी जो है कल्चर है अंडे वाला बर्गर, ये बड़ा फेमस है, और पहले इतना फेमस नहीं था, ये कुछ सालों से कुछ ज़्यादा फेमस हो गया फेसबुक पे। हाँ तो आज आपका म्यूजिक ही ऑफ है, वरना हर ईद पे आपका म्यूजिक भी ऑन होता है। स्पीकर खराब हो गया, ओहो क्या हो गया स्पीकर को? ऑर्डर किया लेकिन ईद के बाद, ईद के बाद आएगा। चस्त तो ना नहीं भाई, चले 14 अगस्त पर ही सही है, बड़ी ईद पर ही सही। 14 अगस्त पर ले जी भाई, अब लगे हैं जी मेन चीज़ इस बर्गर का जो है दिल वो लगा, यानी कि अंडा लगा। इस बर्गर का जो है वो ये लें जी, अंडा आ गया मेन चीज, मेन कंपोनेंट वो देखिए बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल। अब तो जो है बहुत सी दुआएं उस बंदे के लिए जिसने ये बाजा याद किया। हाँ जी भाजी, क्या हाल है, ठीक हो? 5 pound ठीक ठाक हो? यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर पाकिस्तानी बट यू आर नॉट पाकिस्तानी है, यू कांट स्पीक उर्दू है। सो आई एम मेकिंग व्लॉग, सो आई एम जस्ट टेलिंग पीपल्स दिस इज़ द थिंग। ये है जी वो बाजा जो ईजाद किया था किसी ने, पाकिस्तानियों ने या पता नहीं जिन्होंने भी ईजाद किया था, और ये करते करते यूके तक पहुँचा है, और 5 pound का जो है ये सेल हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये 14 अगस्त पे ज़्यादा बजाया जाता है, लेकिन हाँ जी, और 10-15 रुपये का ही मिलता है कस्टमर के मुताबिक, और यहाँ पर जो है 5 pound अप्रॉक्सीमेटली कोई 1200 के करीब जो है उसका ये बाजा मिल रहा है। तो लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी फ़र्ज है इसको बजाना, तो डेफिनेटली हम किसी भी छोटों के लिए भी बिल्कुल ले रहे हो, डेफिनेटली हम किसी भी प्राइस पे ले लेंगे या। और भाई जान की बस हो चुकी है बाजार जाप जाके, यू नॉट फीलिंग वेल? ओके या, अभी भाई बजा के दिखाएंगे। नो हाय, मुझे लगता है कि रिप्लेस करवा ले,
मुझे लगता है कि ये ख़राब है। अभी जो है जी ये बाजा जो है फाल्टी निकल आया है यहाँ पे भी। अच्छा कि चेक किए जी हमारे ब्लॉग की नस्बत बच्चे का बाजा ख़राब हो गया था, वो अभी ठीक होने लगा है। क्या अभी जी नया बाजा आ गया है 0 मीटर क्या, और फाइनली बाजा जो है वो ऑन हो गया। तब यूज़ अभी हम चलते हैं, कोंडे वाला बंदर आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक और पॉइंट पे, अफगान कुसी। ये जी इसके अंदर काबली पुलाव आपको मिलेगा, ठीक है, कबाब मिलेंगे, चारकोल ग्रिल और डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो है टॉप व्यू से जो है इस पूरी रोड का व्यू दिखाता हूँ कि इस टाइम इस रोड पर क्या कुछ हो रहा है, और मैं किसी ऊँचे पॉइंट पर जाता हूँ और वहाँ से जो है स्टेप बाई स्टेप जो है आपको इस पूरी जो है कशमकश के बारे में बताऊँगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी रफ्तार रफ्तार जो है रश बढ़ना स्टार्ट हो गया है। मुझे कहीं से क्रिकेट की आवाज़ आई है, सॉरी क्रिकेट नहीं, मैच की आवाज़ आई, और ये देखें आप ये चल रहा है, सॉरी सॉरी फुटबॉल मैच। जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स जैसे वैसे ही रोड के किनारे जैसे होटलों के ऊपर टीवी चल रहा होता है, जस्ट वही रोड के किनारे सब कुछ जो है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें भी सेल हो रही हैं सब कुछ, और अभी हम आपको लेके चलते हैं एक और देसी जो है रेस्टोरेंट के पास जिसकी कढ़ाई काफ़ी फेमस है, यानी कि तड़का शड़का ज़रा वल लगा के देते हैं ये कैमल वन वाले, लाहौर के बंदे हैं, अच्छी फेमस कढ़ाई बनाते हैं, और हर जगह से फुटबॉल की आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का क्रेज़ कम है, यूके के अंदर ये है कि फुटबॉल का क्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जी कैमल वन, इनका खाना काफ़ी अच्छा है, कढ़ाई स्पेशली लैम कढ़ाई अच्छी अच्छी लेवल की कढ़ाई बनाते हैं ये। और इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ शेर खान रेस्टोरेंट, क्योंकि वो काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। और जी व्यूज़ ये है जी मेरी लेफ्ट साइड पे शेर खान हलाल इंडियन किचन, सब कुछ हलाल है, स्ट्रीट के ऊपर पूछने की ज़रूरत नहीं कि जी हलाल है यहाँ जो भी है। और इस टाइम हम राइट साइड से जा रहे हैं पाशा के करीब से, ये है जी पाशा जो कि काफ़ी फेमस जो है शीशा कैफे है। योके ब्रदर यू नो मी, और इस तरह से देखें लकीली मेरा एक दोस्त भी मुझे मिल गया जो कि मेरे सिटी में रहता है और विम्जो रोड पे जो है मुझे ये मिल गया, इसीलिए कहते हैं जी दुनिया गोल है, यूके में भी दुनिया गोल है, कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट भी हमें नज़र आ रहा है जी बगदाद बिरयानी हलीम, ये हो गए। इसे नेक्स्ट है आपको मैं ले कर चलता हूँ मून लाइट पे, जिसके शेक्स और स्वीट्स काफ़ी फेमस है, यानी कि वहाँ से आप डेजर्ट्स वगैरह खा सकते हैं, लेकिन इस टाइम वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आज नहीं लगता कि वो सर्विंग दे पाएंगे सबको, क्योंकि हमेशा ही होता है कि अमूमन उधर बहुत ज़्यादा क्यू लगी होती है, और हर बंदे की कोशिश होती है उसके ये देखिए जी पाकिस्तानी थिंग्स हर तरफ कह लेंगे आपके पास हारन और ये म्यूज़िक और पंजाबी गाने ये नज़र आएंगे। अब ये देखें जी सबसे बड़ी जो है आज की वीडियो का सबसे बड़ा शाहकार वफा, प्लेट नंबर प्लेट वफा की, और मेन चीज़ पिकट गाड़ी है, और इसके पीछे देखें जी क्या लिखा हुआ है, सखी आप ई वारस है, माशाल्लाह जी बहुत मेन चीज़ इन्होंने लिखी है सखी आप ही वारस है। तो ये है कि यूके के अंदर भी इन्होंने आके अपनी रवायत को नहीं छोड़ा। चाचा चाय इसके अंदर भी काफ़ी रश है, और मूनलाइट में आप देख सकते हैं ये है जी मूनलाइट, और इसके अंदर भी क्यू पे क्यू लगी हुई है। तो व्यूज़ व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, और यहाँ से तकरीबन जो है विम्जो रोड का जोर टूट जाता है, तो मेरी लेफ्ट साइड पे है माई लाहौर और राइट साइड पे शेल का पेट्रोल पंप जो कि एक स्पॉट है, फिर शेल के पंप पे पहुँचे हम भी पहुँच रहे हैं, और यहाँ से आगे जो है विम्जो रोड आहिस्ता 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 ठंडी होती है और तकरीबन ख़त्म हो जाती है। जी व्यूज़ जब देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी अख्ताम जो है वो हो गया है जिस सड़क का, और
बेसिकली रोड तो बहुत लंबी है ये, यानी कि विम्सन रोड के नाम से जानी जाती है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो है इसकी वो ख़त्म हो गई है। तो व्यूज़ ये था आज का ब्लॉग, मैं उम्मीद करूँगा कि ये ब्लॉग आपको जो है पसंद आएगा, और बहुत से तारकीन वतन जो हैं जो यहाँ पर ईद कर रहे हैं, जो जिनके प्यारे उनको देखना चाह रहे हैं कि वो ईद कैसे गुजार रहे हैं, तो उनको भी जो है ये देख के अच्छा लगेगा जी के यूके में जो है ईद वो कैसे मनाई जा रही है। कल का भी एक व्लॉग बनाया गया था, लेकिन कल ज़रा ईद का पहला दिन था, मसरूफियात ज़रा ज़्यादा थी, इसलिए वो व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं हो सका था। तो व्यूज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे या किसी और इवेंट पे आपको दोबारा विम्सन रोड का जो है एक व्लॉग जो है वो दिखाएँगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक, दुआ में याद रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया।